It's not often that one sees a leader following up any demand that he has submitted to an authority, but when it comes to youth MLA Sandeep Naik, expect something different. It may be recalled that in the special Sitko Janta Darbar called by Thane Guard Minister Ganesh Naik, MLA Sandeep Naik had submitted a list of 24 demands to Sitko Chairman Pramod Hindurao and Managing Director Tanaji Satre. In order to follow up on these demands, MLA Sandeep Naik dropped in at Sitko to meet the Sitko Chairman and Managing Director. During the meet, one of the main demands that the MLA took up with Sitko was playgrounds in villages. He said that in villages, many playgrounds were being encroached upon and the people were playing a proactive role in controlling the encroachment. जो भी सब्जेक्ट्स थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था कि नवी मुंबई में जो गांव है वहां पे यहां के लोगों को खेलने के लिए मैदाने अभी बची नहीं है और जो मैदाने बची हुई है उसके ऊपर भी कहां पे तो और कंस्ट्रक्शन का मीन्स प्लॉट किसी को देने का काम यहां पे हो रहा था तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी दिनों से कुछ प्लॉट खेलने के मैदानों के लिए बचा के रखे हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट होने को नहीं दिया तो उनका वो हक है अगर सेक्टर में हर सेक्टर में अगर खेलने के लिए मैदान है तो गांव के लोगों को खेलने के लिए मैदान होने चाहिए He said that there are many teams of players who are demanding playgrounds. हमारे नवी मुंबई में एक 40 प्लस करके एक पूरी 24 टीम्स हैं जो 40 प्लस के सब खिलाड़ी हैं और एक साल में एक बार इकट्ठा होते हैं और अलग अलग गांव में ऐसी क्रिकेट मैचेस उनका आयोजन करते हैं उसमें उनका फिटनेस भी रहता है काफ़ी दिनों के बाद सब लोग इकट्ठा होते अपना सुख दुख बांटते तो उन्होंने ये मांग कही कि गांव में हर एक गांव को करीबन एक तो ग्राउंड यहां पे रहना चाहिए The Sitko assured the MLA that they would hold a joint meeting with NMMC to tackle this issue. आज MD साहब ने और चेयरमैन साहब ने कहा है कि महानगर पालिका सिडको और जॉइंट सर्वे करेंगी और जहां जहां पे ये प्लॉट्स उपलब्ध है खेलने के लिए मैदान उपलब्ध है वहां पे मैदानें दी जाएंगी There were many other issues that MLA Sandeep Naik took up with Sitko. प्रलंबित जो सब्जेक्ट है जैसे गावठान को 4 FSI देने की आवश्यकता है ऐरोली मतदार संघ में सीधा वाटप का ऑफिस नहीं है तो उसके लिए सिडको से उनको जगह देने की मांग रेलवे के डिपार्टमेंट ने की थी ऐरोली मतदार संघ में एक सेपरेट एक ऑडिटोरियम हो नाट्यगृह हो ऐसी मांग आदरणीय पालक मंत्री महोदय के माध्यम से मैंने MD साहब को चेयरमैन साहब को की थी सभी विषयों के ऊपर सकारात्मक भूमिका MD साहब ने और चेयरमैन साहब ने यहाँ पे की है नवी मुंबई लोगों को जो एडमिशन्स स्कूल में मिलने चाहिए कॉलेजेस में मिलने चाहिए हॉस्पिटल में उनको प्रायोरिटी होनी चाहिए उसमें और आज तक जिस तरीके से ये होना चाहिए था काम वैसे हुआ नहीं लेकिन अभी MD साहब और चेयरमैन साहब ने कहा है कि एक सेपरेट सेल वो बनाएंगे और उसके माध्यम से वो मॉनिटरिंग करेंगे ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जो यहाँ के लैंड अफेक्टेड लोग हैं उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन्स के लिए जो कोटा है वो पूरी तरह से यूटिलाइज करने की बात उन्होंने कही है आने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट रहेगा और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें यहाँ के लैंड अफेक्टेड लोगों को काम दिलाने की भी बात उन्होंने कही है तो मैं संतुष्ट हूँ कि आज उन्होंने जो बातें कही है वो सब पॉजिटिव है सिर्फ इतनी बात है कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए और हर एक चीज़ को टास्क पे लेके मीटिंग कॉल करके इसको सही मामले में जो इश्यूज़ है वो डिसॉल्व करने की आवश्यकता है यहाँ पे जो ओरेड लाइन मुझे ऐरोली नहीं पूरे नवी मुंबई में जो गई है वहाँ पे इंक्रोचमेंट न हो इसके लिए वो लैंड किसी लोगों को वहाँ पे वेजिटेबल्स बनाने के लिए दी गई लेकिन आज शहर बढ़ गया है और आप देखेंगे कि जो ड्रेनेज का पानी उस यहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो सब्जी वगैरह उगाने का काम करते हैं और हाइजीनिक देखेंगे तो वो लोगों के सेहत के लिए ठीक नहीं है और दूसरी बात वहाँ पे अगर गार्डन बनाए गए तो निश्चित रूप से लोगों के लिए एक अच्छा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए एक जगह वहाँ पे तैयार होगी और जो लोगों को अभी दिक्कतें होती है जैसे वहाँ पे पानी रुकता है वहाँ पे काफ़ी पेड़ बढ़ गए उसके बावजूद वहाँ पे मलेरिया डेंगू जैसे रोग लोगों को हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए अगर महानगर पालिका को वो अगर ओरेड लाइन के अंडर नीचे के अगर प्लॉट दिए गए तो महानगर पालिका उस जहाँ वैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट करके लोगों को वहाँ पर रिलीफ देने का काम करेगी
Another major issue taken up during the discussion was of 2.5 FSI. The chairman discussed with the managing director that a committee has to be set up to survey this. Another significant assurance given by CIDCO to MLA Sandeep Naik was that CIDCO would recheck the notice being sent to slum dwellers that came up prior to May 2007 and that they would float special schemes for the economically weaker among the PAPs. MLA Sandeep Naik said that soon they would hold a meeting between CIDCO, NMMC and the state for coordination on many issues. CIDCO ko Mahanagar Palika aur Shasan इन तीनों डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता होती है और कहाँ पे ये निर्णय होगा तो लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा. इसके लिए एमडी साहब ने कहा है कि एक जॉइंट मीटिंग वो कंडक्ट करेंगे, लोक प्रतिनिधि के माध्यम से हमें वहाँ पे बुलाएंगे और उसमें क्या सोल्यूशन निकल सकता है जो सब सब्जेक्ट्स है उसके बारे में वो बात करेंगे. He said that he has appealed to CIDCO to have a time-bound program for addressing all issues. हमेशा ही हम लोग विषय एमडी साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास या अलग अलग डिपार्टमेंट के पास फॉलोअप करते हैं लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं आता है. तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम वो बनाए, इस चीज़ को टास्क पे ले और जितने भी प्रलंबित विषय है उनको जल्द से जल्द पूरा करे. CIDCO has assured MLA Sandeep Naik of bringing about concrete results to issues raised by him in another 4 months. With camera person Vinayak Dalvi, Archana Tripathi for NMTV News.